दोस्तों ये सब जो आप देख रहे हैं ये गायें हैं। भाजपा वालों ने गायों की हालत ऐसी करके रख दिया है, गायें गौशाला के अंदर ख़त्म हो रही है, भूख प्यास से ख़त्म हो रही है, गायों को फेंक दिया जा रहा है, यहाँ तक कि कुत्ते गायों को अपना भोजन बना रहे हैं। तो इसी के हवाले से एक खबर दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, किस तरह मुसलमानों ने दिल जीत लिया है, पूरे हिंदुस्तानियों का दिल जीता है। जो मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं गौर से देखिएगा और इस वीडियो को शेयर करके हिंदू भाइयों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। किस तरह बताऊंगा, अभी खबर दिखाऊंगा कि किस तरह मुसलमान हिंदुओं का भी दिल जीता है, गोरक्षकों का भी दिल जीता है, भगवाधारियों का भी दिल जीत लिया है। मुसलमान ने ऐसा काम किया है, जब देखा कि गायें गौशाला के अंदर ख़त्म हो रही है, भूख और प्यास की वजह से भाजपा वाले कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो मुसलमान किस तरह ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम फ्री खाना देंगे गौशाला के अंदर। सबसे पहले मैं गायों की हालत पढ़कर सुनाता हूँ, देखिए आप ट्वीट देखिए। भोपाल में बीजेपी नेत्री की गौशाला से सैकड़ों गायों का कंकाल मिलने से आहत। पास के ललरिया गांव के मुसलमान भूसा व्यापारियों ने एक साल तक निशुल्क भूसा देने का ऐलान किया। और आगे आप देखिए, इस ट्वीट को देखिए। भोपाल में बीजेपी नेत्री की गौशाला में गायों की मौत, कुएं में मिली 20 लाशें, मैदान में बिखरे मिले 80 शव और कंकाल। मतलब गौशाला के अंदर गायें ख़त्म हो रही है और कुएं के अंदर भी गायों की लाशें मिल रही है, कुत्ते नोच नोच कर अपना भोजन बना रहे हैं। तो ऐसी हालत में किस कोई भी काम नहीं दिया भाजपा वालों ने, काम नहीं दिया। यहाँ तक के जो योगी आदित्यनाथ हैं अपने यूपी में गायों को बचा नहीं पा रहे हैं, जो गाय 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 करते रहते हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन गायों को बचा नहीं पा रहे हैं, गोरक्षक गाय के नाम पर मुस्लिमों को ख़त्म कर देते हैं, अभी जो भूख प्यास से गायें ख़त्म हो रही है वो लोग गायों को नहीं बचा पा रहे हैं, सामने कोई नहीं आ रहा है। वैसी हालत में मुस्लिम व्यापारी जो भूसा व्यापारी हैं वो लोग किस तरह आगे आते हैं और ऐलान करते हैं हम कि एक साल तक हम फ्री देंगे भूसा गौशाला के अंदर, फ्री पहुंचाएंगे एक साल तक। आप सोच सकते हैं जब हमारे देश में मुसीबत आती है गायों के ऊपर हो या इंसानों के ऊपर, तो मुस्लिम नज़र आते हैं। अभी गायों पर मुसीबत आई है, वो भी मुसीबत लाने वाले भाजपा वाले हैं और वो लोग पीछे हट गए हैं। वैसी हालत में मुसलमान आगे बढ़े हैं गायों की सेवा करने, मदद करने, चारा और भूसा खिलाने के लिए मुसलमान आगे बढ़े हैं। जब जब हमारे देश में मुसीबत आती है तब तब मुस्लिम आगे निकल कर सामने आते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना के टाइम जब घर हर घर से लगभग हर घर से लाशें निकल रही थी, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था, यहाँ तक कि हिंदू भाइयों की लाशों को मुस्लिम कंधा देते थे और शमशान घाट तक पहुँचाते थे, अंतिम संस्कार करते थे। कहने का मतलब है जब जब हमारे देश में मुसीबत आई है तब तब मुस्लिम लोग निकल कर सामने आए हैं, मदद किए हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि वही गाय के नाम पर मुस्लिमों को ख़त्म कर दिया जाता है, कई सबूत मैं दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों इन मुसलमानों का काम अगर आप लोगों को पसंद आया तो इस मैसेज को हिंदू भाइयों तक पहुँचाइए, खासकर जो लोग गाय के नाम पर मुस्लिमों को ख़त्म करते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा कायम रहे।